दोस्तों, DCEU अपनी बहुचर्चित फिल्म बना रहा है जिसका नाम शज़ाम रखा है, जो अगले वर्ष अप्रैल 2019 में रिलीज होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपर हीरो शज़ाम पहले एक अनाथ बच्चा था जो आगे चलकर ताकतवर सुपर हीरो बनता है? तो आज जानते हैं अनाथ बच्चा आखिर कैसे बन गया सुपर हीरो शज़ाम। सुपर हीरो शज़ाम का असल नाम बिली बाटसन है, जो एक अनाथ बच्चे की तरह रहता है। एक दिन उन्हें एक अमीर आदमी एडॉप्ट कर लेता है। वह आदमी पहले से ही कुछ और बच्चों को एडॉप्ट कर चुका होता है और उन बच्चों को बिली बाटसन अपना भाई मानने लगता है। किसी रोज स्कूल जाते समय बिली बाटसन की लड़ाई अपने क्लासमेट के साथ होती है, जिसके बाद बिली बाटसन रात में अपने भाई के साथ उनकी गाड़ी तोड़ने चला जाता है। जैसे ही वह गाड़ी को हाथ लगाता है, तभी सायरन बज उठता है और बिली बाटसन अपने भाई के साथ वहां से 9:00-11:00 हो जाता है। भागते भागते बिली किसी ट्रेन पर चढ़ता है, जो उसे एक अनजान जगह ले जाती है, जहां वह एक अजीब से आदमी विजार्ड से मिलता है। वह विजार्ड एक ऐसे सच्चे आदमी की तलाश में बैठा रहता है जिसे वह पावर दे सके, क्योंकि पूरी दुनिया पर सुपर विलन ब्लैक एडम का खतरा मंडरा रहा होता है। विजार्ड को महसूस होता है कि बिली बाटसन सच्चा नेक दिल इंसान है, उसे ही पावर देनी चाहिए, और विजार्ड बिली को जोर से शज़ाम पुकारने को कहता है। जैसे ही बिली बाटसन शज़ाम पुकारता है, उनका पूरा लुक बदलकर किसी एक बड़े आदमी की तरह सुपर हीरो शज़ाम में परिवर्तित हो जाता है। बिली बाटसन शज़ाम बनकर अपने भाइयों के साथ मिलकर काफी मस्ती करता है और कई सुपर विलन्स को भी हराता है। शज़ाम की पावर सुपरमैन की तरह है। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।